एक इफ लगा के उसको कह दें, अगर खाली हो, अगर नाम ना दिया हो या ईमेल ना दी हो, पासवर्ड ना दिया हो, तो उसको एक अलर्ट शो करा दो कि ना पहले फील्ड फिल करें फिर आगे जाएं, और एल्स पार्ट में डाटा भेज दें फॉर्म में, हो सकते हैं टेक्निकली। दबाना इट नॉट खाली एंड रिकॉर्डेड मैप। हाँ तो ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि वो फिर सबमिट क्यों करवा रहा है डाटा। हाँ ये असल में ना इधर नहीं आपको लगानी चाहिए लॉजिक, मेरे ख्याल में आपको लगानी चाहिए जहाँ पे डाटा सबमिट कर रहे हैं, जो ऑन क्लिक पे फंक्शन बनाया ना उसके अंदर ही लगाना पड़ेगा। हाँ जी, किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया या आपने इस पे वो वैलिडेशन एरर भी लगाई होनी है, तो ऑफिसर किसी ने एरर फर्ज करें, अगर वो नाम दे देता है, ईमेल नहीं देता और पासवर्ड दे देता है, मतलब जो भी आपने फील्ड रखी है, तो उसको एटलीस्ट ये चाहिए कि ईमेल पे वो आपको अलर्ट दे कि भैया आप किधर जा रहे हैं। आप जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो वो कह रहे ईमेल इज रिक्वायर्ड, वो कह रहा स्पेसिफिक उस बॉक्स के नीचे एक रेड एरर शो हो जाए, कस्टम वैलिडेशन। तो डॉम से ही आप लोगों ने सीखी होनी चाहिए आपको। देखें जो लाइब्रेरी है ना फॉर्मिक, या ये लाइब्रेरी आ जाएगी कल नहीं खत्म, अगर आप अपनी वैलिड एरर बनाते रहेंगे ना वो असल एरर होती है। आप फॉर्मिक के अंदर कल को वो पेड कर दें या फॉर्मिक के अंदर और कोई नहीं, तो असल लाइब्रेरी उन्होंने दो बनाई हुई है, फॉर्मिक एंड या, तो क्या प्रॉब्लम है। सर वो एक इश्यू डिस्कस करना था आपसे, वो बताएं कोड बताएं। वाला। सर वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, एक वो app.js में मैंने सर एक यूज स्टेट बनाई थी, और उधर एरे में ना एक ऑब्जेक्ट्स वो स्टोर करवाए थे, और एज अ प्रॉप्स उसे पास किया था एक कंपोनेंट को, अच्छा तो वहाँ जाके मैप किए तो सर वो वहाँ पे वो वार्निंग ये आती है, वो डाटा नहीं शो हो रहा ऑब्जेक्ट्स का, मतलब वार्निंग ये आती है कि रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए इस एरो फंक्शन की। नहीं तो आप सही तरह से उसको डेटा जब प्रॉप्स कर रहे हैं तो प्रॉप्स को आगे यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं आप, आगे जिस जगह पे प्रॉप्स को यूज कर रहे हैं वो वहां से डेटा फेच कैसे कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट तो नहीं डायरेक्ट होगा ना आपका। नहीं सर मैं आपको 1 मिनट कोड दिखाता हूँ, आप 1 मिनट देख लो। चलें जी 1 मिनट ठहरे, आपका क्या नाम है? फरहान। फरहान सर, आपको जनाब पोस्ट बना देता हूँ मेरे से, लो करो स्क्रीन शेयर, इधर मैं स्टॉप करने लगा हूँ आप शेयर कर दो, चलो करो जी। देख लें जी आप लोगों की भी जिंदगी में हो सकता है आसानी आ जाए। यार क्या मसला, 1 मिनट देना है जी, एलईडी को मैं अगर एक दफा ऑन कर लूं यार, ये एक दफा नीचे से प्रेस करना, एक दफा फिर उसको ऑन कर दें, एक दफा प्रेस करना बंद नहीं हुई अभी, और एक दफा सही करो ना प्रेस, क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप 1 सेकंड वेट करो। हाँ एंटर कर कह रहा है नो सिग्नल। हाँ इधर क्रॉस आ रहा है वैसे, इधर ये रिमोट्स तो वो तो जाना है जी, ये मेरे ख्याल में 1 मिनट ठहरा मेरा, इधर से ही ना मैं पंगा डाला हूँ, अब बंद हो गया। हाँ जी बहुत अच्छे, अब आ जाएगा मेरे हिसाब से इधर की सेटिंग। हाँ जी आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? 1 मिनट, आपने लगाया टास्क डॉट मैप के अंदर टास्क रखा है, तो टास्क डॉट आईडी और प्लान, ठीक है ओके जी ठीक है, प्रॉस में डाटा भेज रहे हैं ठीक है, टास्क को डिस्ट्रक्चर कर लिया है ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये सर बे ये app.js में सर ये मैं ये बनाया था यू स्टेट, इसमें डाटा सेव करवाया था एज एरे, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे।
ओहो, तो आपको यू स्टेट में बनाने की जरूरत ही क्या है, तो बगैर यू स्टेट के भी रख लें इसको। सर वो अलग अलग कंपोनेंट्स में भी यूज करना था ना, तो इसलिए यहाँ पे ऐप डॉट जी एस में बना दिया था, तो अलग कंपोनेंट्स है वो ज्यादा से उनमें उन सब में यूज होना था डेटा। ओहो, उससे बेहतर था आप डाटा की फाइल ही अलग कर लेते, सबसे आसान मसला था। सर ये यहाँ से एज अ प्रॉप्स ही पास किया था, और एक मिनट एक ये मिनट, टास्क वाले उधर ही आए वापस। ये अच्छा ठीक है, उधर आए टास्क वाली साइड सही पे। इसको नीचे ना ये जो येलो ब्रैकेट लाइन नंबर 2 पे आके कंसोल कराए हैं, टास्क में आ क्या रहा है ये सर। रिटर्न कंसोल होते हैं, से। कंसोल होते हैं सर, मैं आपके यहाँ रिटर्न पूछ से ऊपर रहा करवाओ ना, और रिटर्न से ऊपर एंटर करो यार। था। लाइन रिटर्न नंबर से 2 पे आपने कंसोल लिखना है, ये समझ लो। कैसे लिखोगे आप सोचो जरा। सर मैं लिखता हूँ यहाँ सर। बहुत अच्छे, तो इसको एंटर कर दो, मैं कह रहा हूँ लाइन नंबर 2 में कंसोल करना है आपने। हाँ लाइन नंबर टू ये यस करो, इधर टास्क करवाओ, ये जो टास्क आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो इसको करवाओ। सर प्रॉप्स लिखूं यहाँ पे। और नहीं भाई, टास्क ही डायरेक्ट लिखो, टी कैपिटल कर दो, टास्क अच्छा जो ऊपर ले रहे हो आप। अच्छा ठीक है सर, हाँ जी, चलिए कंट्रोल ठीक। करके आप जाओ जरा कंसोल में, देखो तो सही इसमें डाटा भी आ रहा है या आप आंखें बंद करके मैप लगा रहे हो। पहले डाटा तो चेक करो ना। सर वो जो नीचे नीचे कंसोल किया हुआ था ना सर, उधर कंसोल में डाटा आ रहा था। सर एक मिनट ठहर जाए, अभी स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं। जाए जरा, सर ये देखिए अरेज आएंगे ये सर, ये ये लाइन नंबर 2 पे आ गई, ठीक हो गया, अरे आ गई, तो अरे पे आपने मैप लगाना है। ओके, मसला क्या, उधर आओ आप। सर हाँ ठीक है, आप क्या कर रहे, अरे है। ओके, टास्क डॉट मैप लगाया टास्क, और यहाँ पे रिटर्न करो, ये मैप के अंदर रिटर्न करो। मैप के अंदर सर। अरे आपने रिटर्न करना है ना, यूए रिटर्न है, रिटर्न करें, ब्रेसिस लगाएं, वो जो गोल ब्रैकेट्स आप कहते हैं ब्रेसिस, ब्रैकेट के नाम जी याद कर लें, ठीक है, एंटर करें। हाँ इधर वो एल आई का टैग लगा लें, नहीं पहले इसको वो लगाएं डिव लगा लें, तो या रिएक्ट फ्रैगमेंट लगा लें। हाँ एंटर करें, एल आई का टैग लगाएं इसमें, एल आई का। हाँ जी, इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी करली ब्रैकेट्स में लिखें, जैसे जावास्क्रिप्ट के लिखते हैं, टास्क डॉट उसमें से कोई एक चीज लिख लें, टास्क डॉट। और ये वाला नहीं भाई, ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो टास्क स्मॉल वाला, इसमें अब आपका डाटा आ गया ना टास्क के अंदर। अच्छा ओके ओके सर ओके। डॉट ये TXT है उधर, जी है सर ये इधर देखिए ये सर ये TXT है। ओके करो आप जाके UI पे देखो। आ आप गए सर। आए हैं, क्या बनेगा, चलें ठीक है, मुबारक हो सर इशू इशू क्या था, इशू क्या था सर। आप खुद समझे, मैंने आपको सिर्फ चेक करके सेट करा दिया, आपने बस नए काम करना है, जाते हुए दाता दरबार में 50 का तेल चढ़ा देना है। सर मैं दाता मैं लाहौर में नहीं रहता सर। तो कैश कैश करते हैं। ठीक है सर ये इशू क्या था, इशू क्या था। आप देखो मैंने क्या सही करवाया, आप खुद देखो ना आप गलती क्या कर रहे थे, आप खुद देखो आपको समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे मेरे या तो रिटर्न नहीं कर रहे थे, और आपके पास अरे है, आपको या तो उसे टेबल में शो करना है, अगर आप H1 या 2 में शो करोगे ना तो वो कभी भी शो नहीं होना। आपके पास एक अरे ऑब्जेक्ट है, आप उसे H1 H2 में शो नहीं कर सकते, आपके पास या लिस्ट में कर तो एल सकते। चाहिए या टेबल होनी चाहिए। टेबल लगाओ, ओके टेबल सर थैंक यू सो मच। डेटा, शेयर ओके स्क्रीन, सर थैंक। स्क्रीन ऑफ कर दो, उधर से शेयरिंग खत्म कर दो। और चैलेंज ओ कॉपी हो चुका है ना CMD कोड स्पेस डॉट लेंज, इसको इधर ही स्टार्ट कर लें, बार बार हम इधर वो टर्मिनल की क्या जरूरत है, NPM स्टार्ट। इसमें हम कर क्या रहे थे,
ऐप के अंदर क्या काम था, फॉर्म 3 पे ही काम हो रहा होना फिर, पहले देखते हैं। हाँ अच्छा, इसको लोड होने दे, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, जो खुद बखुद ही किसी दिन लोड हो जाएगा। ठीक, इस पे काम करना है। ओके, ये तो फजूल है, इसको बेशक उड़ा दें आप। ठीक है, ये अच्छा वो व्हील गई होनी है। अच्छा, क्या आप ऐसा फंक्शन वैसे लाइन के अंदर बना सकते हैं इस तरह का, जिसमें आप स्प्रेड ऑपरेटर भी कर रहे हो इन लाइन में? वो सिंपल तो आपने देखा ही है, उसका तो रोला ही कोई नहीं है। क्या ऐसा काम कर सकते हैं आप? ले नहीं, इस पे फिलहाल जो भी डाटा आ रहा है वो यूआई पे आ रहा था, तो यूआई को हमने उड़ा दिया। चलें, यूआई को तो खत्म कर दिया। अब प्रॉब्लम ये था कि हमने यहाँ पे लेना था डाटा, जब करे यूजर इस पे क्लिक, तो हमने ऑन क्लिक पे एक चले डाटा ले लिया, लेकिन इसको हमें पहले फॉर्म में भी वैसे रैप कर ही देना है जी, ताकि बाद में मसला ना करे। कट करें, इसमें आ जाए फॉर्म पेज। अच्छा, इस पे आपके पास इधर भी सब ऑप्शन होती है ऑन, शायद आपने ये वाला तरीका देख, क्लिक वाला तो किया ही है ना आपने, इधर भी आप ये वाला कर सकते, क्योंकि फॉर्म जब सबमिट होता है ना तो ऑन सबमिट इसका मेथड होता है, ये वाला काम आप इधर भी कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म मैंने लगाया था कि आपको पता हो कि ऐसे भी काम हो जाते हैं। और बटन की अब आपको टाइप क्या बतानी पड़ेगी फिर, फिर इधर आप इनपुट ही लगा लें, टाइप सबमिट। देखें जाके क्या ये कंसोल पे अब क्या कह रहा है भाई, चिल्ड्रन और यूथ इन रेस्क्यू, क्या कह रहा है। फॉर्म के अंदर हमने ये लगा दिया, फॉर्म इनपुट नेम इज इक्वल टू बटन टाइप, नहीं यहाँ पर टाइप बटन आ जाएगी, नेम इज इक्वल टू सेव डेटा, टाइप आ जाएगी इनपुट टाइप सब, कंट्रोल एस इनपुट, क्या मसला दे रहा है। इनपुट इज अ वाइल्ड टैग, मस्ट नीदर हैव चिल्ड्रन नॉर यूज डेंजर। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है, वो कह रहा है आप ऐसा कार्य क्यों रहे हैं। इसको आप टाइप सबमिट है, वैल्यू दे दें इसकी सेव डाटा, ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक नया तरीका, शायद आपने वो क्लिक वाला तो सीधा सीधा किया ही किया, इस पे कुछ भी फिलहाल ऐड करें, क्या वो कंसोल पे आ रहा है, आ गया। ये ब्राउजर हमें करेगा तंग, इसलिए इस ब्राउजर से कॉपी करके इधर आ। बंद कर, चलें। अच्छा जी, सबसे पहला काम है क्या करेंगे आप, यहाँ पे हमने ये काम तो किया ही हुआ है, इसको वैसे उड़ा दें। कैसे इसको आप लॉजिक देखें, आपके पास आप आइडिया नहीं है अभी तक, यूजर इनफो में एरर क्यों दे रहा है, डॉट नेम आ रहा है, यू नेम,
आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब आप फॉर्म में डाटा ऐड करेंगे, तो ये भी हो सकता है आप जिस जगह डाटा ऐड करने लगे हो पहले से डाटा पड़ा हो, नीचे टेबल में चार रिकॉर्ड पहले पड़े हो, और ये भी पॉसिबल है खाली हो। आपको किसी भी सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको दोनों सिचुएशन हैंडल करनी है। हो सकता है आप किसी ऐसे ऑफिस में गए, मिसाल आप नादरा में चले गए, तो आप डाटा एंट्री लग गया वहां पर जाके, अब उसने पता नहीं हजारों एंट्रियां पहले भी इस फॉर्म के थ्रू की होंगी। हमने उसी डाटा को आपको कल को डायरेक्टर कह देता यार इसके नीचे ये ना एक टेबल बना दो जिसमें डाटा शो कर, तो जो पहले से डाटा ऐड हुआ हुआ है उसको भी तो आपने शो करवाना है, जो आपसे पहले कबल वक्त कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री काम कर चुका है वो डाटा भी आपने दिखाना है। और अब जो आप एंटर करेंगे, अज्यूम कर ले उसने 1,000 एंट्रियां दी, तो पहले तो 1,000 एंट्रियां आपको टेबल में दिखानी है, ठीक है? और उसके अलावा जो आप डाटा अब एंटर करने लगे हैं वो 1,001, 1,002, 1,003 किस तरह हो जाए, ये दोनों सिचुएशन आपको देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज तो आप सीधा सीधा काम कर लें। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, आपको सिचुएशन को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपकी कोडिंग अच्छी नहीं होती, तो आपकी कोडिंग में बग आ सकते हैं, प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं जो नया डाटा एंट्री होगी मैं कहता हूँ जी न्यू एंट्री, न्यू एंट्री है वो कैसे करेगा, ऑब्जेक्ट में करेगा तो मैं उसका तो पहले क्लोन ले लूंगा। ये जो नई एंट्री करेगी या जो भी यूजर करेगा मैं उसकी एक कॉपी ले लूँ, इन फील्ड की मैंने बना ली स्प्रेड करके कॉपी। अब अगर वो नेम एंटर करेगा तो वो नेम की फील्ड में इसका डाटा आ जाएगा, अगर वो एड्रेस में एंटर करेगा तो एड्रेस में उसका डाटा आ जाएगा। आप इसको बेशक यहाँ पे अगर चेक करें जाके कंसोल डॉट लॉग यूजर इनफो कंट्रोल एस इधर आ जाए, मैं यहाँ पे अभी कंसोल इसको क्या कह रहा है, इसको गोली मारे एक, ये देख ए के अंदर उसने डाटा ऐड कर दिया, बाकी फील्ड खाली। मैंने इस सब प्रॉपर्टी की क्लोन बना लिया और यहाँ पे हमने डाटा लेने का फंक्शन भी लिख दिया यहाँ पे। अब जिसके अंदर एंटर करेगा वो मुझे नई एंट्री मिलती जाएगी। मैंने एक काम तो बड़ी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो आपका पहले से डेटा पड़ा हुआ है उसका भी क्लोन बनाना है आपने, उसकी भी कॉपी बनानी है, तो उसकी कॉपी बनाने के लिए यू नीड एन अदर स्टेट, कौन करें यहाँ पे एक नई स्टेट लेनी पड़ेगी आपको। आप उसको कह दें डेटा कह दें या रिकॉर्ड कह लें, सेट रिकॉर्ड जो पहले से डेटा पड़ा होगा वो आपका, आपको उसकी इनिशियल स्टेट क्या बनानी पड़ेगी। अरे क्यों, क्योंकि ये 1,000 अगर यूजर का डाटा है तो हर यूजर के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, उसका नाम आया होगा, एड्रेस, एज, कोर्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एक अरे चाहिए पहले वाले डाटा को स्टोर करने के लिए। सो अब मेरे पास पहले वाला डाटा भी आ गया, नया डाटा भी आ गया। अब जो मेरा टोटल रिकॉर्ड है यहाँ इसके अंदर, तो आपके पास जस्ट न्यू एंट्रियां आएंगी, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आएगा। इसको मैं सेट करता हूँ, एक तो जो आपने अब एंट्री की है उसकी कॉपी बना लेता हूँ न्यू एंट्री, और इसके अलावा जो आपका पहले डाटा पड़ा हुआ है उसकी कॉपी बना ले, इसको भी डॉट डॉट कर ले या वैसे रिकॉर्ड कर ले, मैं वैसे ही रे है पहले ये रे है वो। अब यहाँ पे जाके अगर मैं कंसोल करूँ इसको, यहाँ पे जाके करते हैं रिकॉर्ड को कंसोल, इधर आ जाएं इसको करें रिफ्रेश, यहाँ पे अली लाहौर इसको करते हैं फिलहाल दोनों को सबमिट, तो आ गई एरर, न्यू एंट्री इज नॉट आइटरेबल। ओके सही कह रहे हैं, वो न्यू एंट्री तो खाली है, वो तो एक स्ट्रिंग है ना, देखिए ये तो एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको तो क्लोन इस तरह अरे में ऐसे नहीं कर सकते,
उल्ट कर दिए, यहाँ पे आपको डॉट डॉट करके रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, और न्यू एंट्री की कॉपी तो आप वैसे ही पहले ले चुके हैं, देखिए इधर वो तो हमने पहले ही उसका क्लोन बना लिया हुआ है, उसकी कॉपी, और जो नया रिकॉर्ड करेगा उन सब की आप एक स्प्रेड करके कॉपी बना रहे हैं, कंट्रोल एस करें तो देखें गलतियां पढ़ के ऐसा ऐसा काम सेट होता है। इसको करें कंसोल में जाएं, ये इधर आ जाएं, ये पता नहीं क्या आ रहा है, इसको बाद में देखेंगे, इसको सबमिट करें। अब क्या कह रहा है, रिकॉर्ड इज नॉट एट, रिकॉर्ड इज नॉट आइटरेबल, ऐसे करके देख ले। लेकिन इस तरह रिकॉर्ड आइटरेबल नहीं है तो उसके अंदर तो मैंने अरे बना दी है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख लॉग, इसको इधर ले जाओ, सेट रिकॉर्ड ठीक ही किया ना हमने, ओके ऊपर ले जाए इधर, न्यू एंट्री और रिकॉर्ड सेम एरर। सेव डाटा, टाइप रिकॉर्ड इज नॉट आइटरेबल, वो कहता रिकॉर्ड पे आप आइटरेशन नहीं कर सकते, तो रिकॉर्ड पे आप आइटरेशन क्यों नहीं कर सकते? ओके रिकॉर्ड पे आप आइटरेशन नहीं कर सकते, मैंने अरे तो बनाई हुई है खाली, सेट रिकॉर्ड हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसने सॉल्व किया क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया वो? तो हाँ मेरे हिसाब से तो ये तरीका ठीक है, रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड की कॉपी बना दी, तो यही रिकॉर्ड की कॉपी, सेट यूजर क्यों कर रहे हैं? अच्छा वो तो खाली करने के लिए, रिकॉर्ड के अंदर अरे ले ली, अरे की कॉपी बना ली, अच्छा ठीक है, और न्यू रिकॉर्ड आपने दिया वो भी सही दे रहे हैं हम, सेट यूजर को खाली कर दिया, तो इसमें एरर क्या है? ये डॉट डॉट हमने, आपने डॉट डॉट पर हमने पहले लगा के देख लिया ना, ये सेट रिकॉर्ड, उसकी कॉपी बन गई, न्यू एंट्री होगी। अच्छा आप यहाँ पे आईडी दे रहे हैं हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए, हाँ ओके ठीक है, न्यू डेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल इससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, इससे कोई ऐसा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, डॉट टू स्ट्रिंग ठीक है, तो आपको आईडी मिल जाएगी, ओके ये तो होता है कि आपने इसका, वैसे अब वो भी आ गया मेथड आप आईडी लेने की, सही काम तो हमने सही किया हुआ था, ये सिर्फ आईडी का मसला है, आईडी की वजह से आइट्रेशन का तो मसला नहीं आना चाहिए, तो अगर ये इस तरह कर रहा है तो इसकी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, तो फिर इसका रिएक्ट उन्होंने अपडेट क्या किया है, अगर ये अभी तक कह रही है, ये तो बड़ी पुरानी टेक्निक है, अब तो आईडी बनाने के लिए उनकी लाइब्रेरीज आ गई हैं, मतलब आप रन टाइम पे आईडी भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऐड करें किसका, थोड़ा न्यू एंट्री तो ऑब्जेक्ट ही बनाना है ना, वाला और नहीं ये आईडी के लिए है, कौन सा कह रहे, रो नंबर बताए ना इधर, रो नंबर बताए, इसका ट्वेंटी और न्यू एंट्री, ये फंक्शन में आते हैं छोड़ दो और बेटा ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, क्यों
यार वो सही, लेकिन लॉजिक भी तो मुझे समझाए ना, ये थोड़ा क्या सही हो जाएगा। देखें आप किसकी क्लोन कर रहे हैं, जेट की, ये देखें वो तो एक इलॉजिकल है। अगर ये इससे सही हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है तो फिर हमारी कोडिंग ही ठीक नहीं है। इससे क्यों सही होगा, मुझे तो ये लॉजिक भी नहीं समझ आ रही ना। देखें अब ये वाला ऑब्जेक्ट फिर इसको क्या करेंगे, एक इसको लेगा ऑब्जेक्ट में दें फिर। यार ये कोई मेरे ख्याल में कोई रैशनल अप्रोच नहीं है। यूजर इन्फो इज नॉट एटरेबल, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा एक मिनट है रही, काम हमने सारा ठीक किया हुआ मेरे ख्याल। ये बटन वाला हमने जो काम किया ना, शायद इस वजह से ना तो हो रहा हो ऑन सबमिट पे। वैसे ये भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं बनता। हम बनाते हैं एक बटन ही, बटन सेव डाटा, डाटा ऑन क्लिक पे कर दें इसका जो भी नाम है, सेव डाटा ये। अच्छा जी इसको तो मारें गोली, इसको वापस आ रहे हैं। रिकॉर्ड, ओए होए होए क्या ही बात, असल गलती तो हमने पकड़ी नहीं। ये वाला आपने लगा लगा मुझसे नई नई चीजें करा दी, अब समझ आई है। सुबह ना आ गया, आने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ, चाहे भी फिर भी वैसे का वैसे ही हाल है। इसको दोनों को नीचे ले जाता, गलती देखें क्या है, अभी भी गलती देखें पता क्या है। तो पहले यू स्टेट भी तो लिखे ना, काम सारा आपने खा था, फुल काम करवा रहे हैं हमसे। मैंने बिल्कुल सही किया हुआ था, ये आप आईडी ना भी दें, आप आईडी से एरर नहीं आती, आप रिएक्ट बड़ा समझदार हो चुका। आईडी की जरूरत नहीं है नहीं सर, वो आप जब टेबल बनाएंगे तो आप इंडेक्स को आईडी बना लें, दो हाँ लेते हैं ना मैप में, तीन चीजें जी लेते हैं ना, इंडेक्स वैल्यू और अरे, तो उसको आप आईडी के तौर पर ट्रीट कर लें। अभी तो हमने ड्रॉ ही किया नीचे डाटा। चले अब देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में जाके, यहाँ पे आ जाए रिकॉर्ड और यूजर इनफो, ये इधर है और सारा काम ठीक था। कोई बात, वो हमारी अपनी मिस्टेक है, इसको क्लियर कर दें, सबमिट कर दें। ये करे में भी अच्छा, ये तो रे खाली है ना, 27 पे हमने कंसोल करवा दिया, ये वाला यूजर इन्फो में डाटा आ गया। ये इसको करवाना तो फिर इधर करवाएं, फिर 25 में सही है, बरे में डाटा आएगा। अब करवाएं तो अब बरे में डाटा आएगा, देखा। यानी पता ये चला कि हमने काम फिल किया था। अब देखें विदाउट आईडी भी आपका काम हो रहा है, आप आईडी ना भी देना, हाँ आईडी आगे भी दे दें। अच्छा लॉजिक वही है जो मैं आपको करवा रहा था। देखिए पहले तो आपने इसका क्लोन बना लेना है, बन गया। अब जो रिकॉर्ड आ रहा है उस हर रिकॉर्ड की एंट्री अब आप एंड पे डाल दो। सॉरी ये रिकॉर्ड है आपका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, उसका क्लोन बना लेना, क्योंकि अरे मैंने ली हुई है। ये 1000 रिकॉर्ड है जो पहले पड़ा हुआ है। आप जो नई एंट्रियां करेंगी आप, वो ये यूजर इन्फो में आ जाएगा, जिस रिकॉर्ड में एंटर करेंगे वो उसकी वैल्यू ले लेगा। चलें इस हद तक तो आपका काम ठीक हो गया। इसको फिलहाल आप कंसोल को साइड पे कर दें, इधर इसको शो करवाना है, इधर आप वो वाला काम कर सकते हैं। हमने पुश टैब लगाया हुआ है, पता नहीं लगाया कि नहीं, लगा रहे। मैं कहता उसमें बना बनाया टेबल मिल जाता, हमारा टाइम बच जाएगा, फिर लंबा चौड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। उसमें फिर ये है ना कि आप बटन शटन और आइकॉन वगैरह भी लगा लीजिएगा। अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोड हमारा ठीक था, कोड में मसला नहीं था, फिर वही था कि हमने यू स्टेट नहीं लिखा। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी स्टेप पे तो पूछ सकता है, जिन्होंने नहीं किया उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिन्होंने कर लिया उसका तो मसला ही सॉल्व हो गया ना। यहाँ पे आके ये वाला लिंक दे दें, ये वाला, चलें इधर आ जाएं।
और यहाँ पर टेबल ढूंढ लें, टेबल। अच्छा था टेबल, बाद में इसको कर लेंगे, कॉपी करें और इधर आ जाएं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एक डिव ले लें। मैं चाहता हूँ इसको कंटेनर में शो करें ताकि वो जरा सेंटर में आए। कंटेनर यहाँ पे दे दें, ये। अब ये जो इतना फजूल डाटा है ये रिकॉर्ड तो उठा देना, क्योंकि हमने मैप लगाना है। टी हेड यहाँ पे आ रहा है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाएं। टी बॉडी फॉर्मेट सही ना हुआ तो समझ ही नहीं आती। अच्छा ये रह गया टी हेड। टी बॉडी के अंदर आपने लगाना है मैप, यहाँ पे अपनी फील्ड देख लें कितना डाटा है आपका। नेम एड्रेस एज कोर्स, नेम एड्रेस एज, और इसको ले लें कोर्स। अब इसका मतलब नीचे भी एक रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। चलें ये भी बन गई, और यहाँ पे दे दें सीरियल नंबर। चल ये भी बन गया। यहाँ पे आप लगा दें मैप, इधर आ। मैप किस पे लगेगा अब, रिकॉर्ड्स पे। अब आपका डाटा आ चुका है रिकॉर्ड के अंदर, कॉपी करें इसको, कर दें यहाँ पे पेस्ट। डॉट मैप, आपके पास वन बाय वन रिकॉर्ड आएगा। इसको बल्कि दो एलिमेंट ले लें, एक वैल्यू ले लें और आई ले लें, वैल्यू और इंडेक्स। और इसको आप ये वाली टी आर कर दें, रिटर्न, कट करें, ठीक हो गया। और इसको भी आप बल्कि यू आई पे रिटर्न कर दें, रिटर्न प्रॉपर लगा लें, फिर ये कोई ना कोई प्रॉब्लम ना बना दें। ये सर जी रिटर्न के बगैर भी काम चल जाता है जी। नहीं, वो फिर एक लाइन में लिखना पड़ेगा, अगर मल्टीपल लाइन लिखनी है, अगर रिटर्न आप ना करेंगे और फिर एक लाइन का अगर कोड हो तो फिर ठीक है। और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर में पहले देख लें आया क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया अभी, डाटा तो आना चाहिए था। ये वाला डाटा तो आना चाहिए था ना। चलें इसको रहने दें, यहाँ पे कर दें वी वी डॉट यू नेम, वी डॉट क्या आ जाएगा, ए एड्रेस है, फिर एज है, वी डॉट एज, और वी डॉट आखिरी क्या है, कोर। बस ओके। इसको विड्थ ठीक है। अच्छा इसमें एक ना और कॉलम बना लें, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लें, एंड NBSP यही होता है ना स्पेस। और यहाँ पे जाके एक मैं TD बनाता हूँ एक्स्ट्रा, जिसके अंदर दो और मैं बटन बना लेता हूँ। बटन एक बना लेते हैं एडिट के लिए और एक बना ले डिलीट के लिए। बूट टैब लग गया, तो चले हम इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम। एडिट के अंदर आ जाएगा BTN, BTN हाइफन सक्सेस कर दें, डिलीट का खतरनाक अगर डेंजर कर दें, चले बल्कि इनको स्मॉल भी कर दें, BTN SM कर दें, छोटे बटन बन जाएंगे। चलो ठीक है मेरे हिसाब से। अब जो आपकी रो है ऊपर वाली, इसको अगर मैं क्लास नेम दे के BG उसकी दे दूँ वार्निंग, ठीक है। और कंटेनर की जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 75, तो ज़्यादा छोटा और हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इतना टाइम तो है नहीं, वैसे मार्जिन टॉप दे सकते हैं इसको MT5, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ओके ये देखें जी, इस तरह का ना आपका एक कोई बेसिक स्केच है। अब आप देखें एंट्रियां करते जाएं, और ये सीरियल नहीं बढ़ा रहा, ये तो अब हमारी बेवकूफ़ी, हमें चाहिए यहाँ पे इंडेक्स दे, आई देंगे तो वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा।
आई प्लस वन का ये भी ठीक है, ले लो। डेटा तो गायब हो गया लेकिन वो साथ साथ देखिए खुद ब खुद ही बटन बनते जा रहे हैं, सीरियल भी लगती जा रही है। इधर जरा अच्छे से आइकन लगा लीजिएगा, इसके मार्जिन एंड दे रहे हैं तो ज्यादा नहीं ठीक है, मार्जिन एंड अगर दो दे दूँ तो स्पेस आ जाएगी। ठीक है ले लीजिए, एक फॉर्म बन गया आपका, इस पे अब आपने को डिलीट ऑपरेशन वगैरह बना लेने। अब प्रॉब्लम इसमें पता क्या आ रहा है, पहली बात तो ये कि खाली नहीं हो रहा नई एंट्री के लिए। ठीक है, अब आपका इस आपने वो बनाई हुई है लॉजिक, आपका डाटा किस में पड़ा हुआ है, यूजर इनफो। तो आप ऐसा करें जब डाटा हो जाए ना तो सेट यूजर इनफो को क्या करें, कॉल करें खाली और यहाँ खाली, इसको करना है ऑब्जेक्ट को यू नेम, क्या नाम था यू नेम, रखो चलो वो कोई बात नहीं ऐसे खाली कर दें, ये भी खाली हो, और पूरा एड्रेस ये भी खाली हो गया, और पेज इसको भी खाली कर दें, और कोर्स ये भी खाली कर दें। चले आप देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा है, इसको अगर मैं अभी सबमिट करता हूँ, चलो क्या हो गया भाई, सही नहीं बनाया। अब भाई आप कर क्या रहे हैं, और ठीक है आप लिख किधर रहे हैं ये देखना है, इसको लिखना इधर इस जगह लिखना, हाँ वो ऊपर वाले खाते में लिख रहे हैं, ले एक काम हो गया, डाटा आपका एंट्री भी खाली, लेकिन अभी भी इसमें मसला है। देखें ये मैं आपको कह रहा था वो खाली एंट्रियां कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे आप, इसका इसने एक पता किसी ने मैप लगाया है, किसी ने आपने ही लगाया था इनके साथ के एरर दे दी है, लेकिन उससे भी वो एंट्रियां कर रहा है, तो आप वो ऐसा लॉजिक नहीं हम कर सकते। इसको अगर मैं कट करूं, इफ मैं कहता हूं अगर नॉट यूजर नेम हो, नॉट यू नेम हो, या नॉट एड्रेस हो, या फिलहाल अभी तो सबके लिए एक अलर्ट दे देते हैं ना, नॉट एज एज नॉट कोर्स, अब चला गया कोर्स, तो आप क्या करो एक फिलहाल अलर्ट दे दो अभी के लिए, प्लीज फिल रिक्वायर्ड डाटा, अदरवाइज ये वाला काम कर, इससे भी हो सकता है पॉसिबल है, ट्राई करते हैं, अगर तो ये इनमें से कोई चीज ना दी हो तो वो यू नेम इज नॉट डिफाइंड, एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, ओके इसको आएगा यूजर इन्फो डॉट यू नेम, यूजर इन्फो डॉट क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे कर दें, लें इसको ऐसे करते हैं, आ गया लर्न, अब आप ओके करें, अब डेटा देंगे, मैं करता हूँ ये देख, अब भी देखें वो क्योंकि सारी फील्ड्स नहीं दी हुई, अभी मैंने अलग अलग पे नहीं बनाई है कि फिलहाल जर्नल साहब के लिए बना दिया, अब मैं दूसरी भी डेटा देता हूँ ये लें, अभी भी दो फील्ड खाली हैं, फिर इधर आते हैं एज में तो हम देंगे पर अगर टेक्स्ट दे देते हैं, अभी भी डाटा खाली, चौथा डाटा अब इधर दे देते हैं, अब डाटा एक तो ये बेसिक तरीका है, मतलब फिलहाल आप जनरल जुगाड़ लगा सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप कस्टम एरर बनाएं, बेहतर जो अप्रोच होती है कि कस्टम एरर बनाएं, कि जब वो यूजर नेम दे ना, ये तो मैंने फिलहाल सीधा सीधा कर दिया ना, इधर आपकी बताए कि फर्ज करें उसमें ये तीन फील्ड फिल कर रहा है, ये कर दिया है, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया, जैसे ही सबमिट करूं ये तो जनरल मैसेज आ रहा है, इधर नीचे एक एरर आ जाए तो प्लीज फिल योर नेम फर्स्ट, उसको आप जरा खूबसूरत बना ले, उसको कैसे आप लगाएंगे, ये असल बेसिकली मैं चाह रहा हूँ। लाइब्रेरी है लाइब, मैं असल लाइब्रेरी पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करता क्योंकि लाइब्रेरी आनी जानी चीज है, आ जाइए 2 4 महीने बाद नई लाइब्रेरी फिर नई सीखें,
ये जो लॉजिक आप सीख लेंगे ना, ये सारी उम्र आपको काम है। वो देखिए जैसे वो आईडी वाला वो तरीका ऑब्सोलीट हो चुका है, जो आप कह रहे हैं ना डेट वाला, ये पहले आप उन्होंने रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट कर दिए चीज। अब वो टेंशन ही नहीं, आप देखे ना ये आपको ये वाला काम करना था तो उन्होंने वो इंडेक्स दिया हुआ है। पहले इंडेक्स लगता नहीं था, रिकॉर्ड को यूनिक नहीं बनाता था, अब रिकॉर्ड यूनिक हो गया। हमें चाहिए होता है जब डिलीट करना है ना, तो किस आप एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, आपको उसकी आईडी चाहिए होती है। अगर आईडी मिल गई तो आप चाहे फिल्टर करें डिलीट करें। अच्छा जी, अब इसके लिए करेंगे क्या, आप क्या करें, एक एरर बनाएं, एक स्टेट बना लें। कौन एरर के लिए एक स्टेट बनाए, एरर और इनिशियली मैं उसको रख देता हूँ। तो जैसे भी वो चीज ना दे तो उसको आप क्या कर दें, ट्रू कर दें भाई। अगर वो कोई चीज ना दे, मैं यहाँ पे अगर ये वाला काम ना करके इधर ही मैं कर दूं, सेट एरर इज इक्वल टू ट्रू कर दें और रिटर्न कर दें फॉल्स। इधर से फंक्शन अगर ये वाला मसला इसमें से एरर ना आई तो वो फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न आपको पता है करता क्या, रिटर्न इफ के अंदर उधर से फंक्शन को ब्रेक कर देता है अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, मतलब ये वाला पार्ट तो इग्नोर हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट पार्ट पे चला। अब नेक्स्ट में हम एंट्रियां करवा रहे हैं। एक तो ये काम आपका हो गया। अब आपने बनानी है कस्टम एरर। फिलहाल अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ऐड भी नहीं हो रहा है, देखें खाली भी नहीं ऐड हो। अब एरर हर चीज के नीचे अगर आपने दिखानी है तो उसके लिए अब आपको प्लान करना पड़ेगा क्या करें। अगर मेरा नाम ना दिया हो अगर, तो एरर ट्रू हो क्या करें, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएं। अगर एरर ट्रू है और यूजर का नाम ना हो, यूजर इनफो डॉट यू नेम अगर ना हो तो क्या करें, तो एक मैसेज दिखा दें स्पैन के अंदर क्या, प्लीज एंटर योर नेम फर्स्ट। ये एंड का पता है ना, कौन ऐसा लड़का या लड़की जिसको एंड का ही ना पता हो। मैंने अब देखें अगर एरर ट्रू होगी और नाम भी ना दिया हो तो एरर का भी ट्रू होगी ना, जब नाम नहीं दिया होगा तो ये वाला मैसेज आपने दिखा। इसको पहले चेक करते हैं यहाँ पे जाके हुआ, उसने देखे पहले ही एरर आ गई, अब चली गई एरर, फौरन ही चलेगी, आप नहीं दे रहे एरर आ। अगर नॉट एरर करते हैं तो क्या करें भाई, नॉट भी लगा सकते हैं, नहीं नॉट लगाएंगे तो हाँ वो तरीका वही ठीक है, उसका हम देख लेंगे क्या तरीका करना है। अगर एरर हो और यूजर नेम ना हो तो ये वाली दिखा दो, ये सारी एक एरर बन गई, तो सबको एक सबके नीचे दे रहे हैं, ये लें इधर दे दें यूजर इनफो डॉट एड्रेस, प्लीज एंटर योर एड्रेस फर्स्ट, चलें ये भी बन गई। ये देखिए कितना अच्छा तरीका है कि आपने अपनी एरर बना लिया। इधर एज आ गई, प्लीज एंटर योर एज फर्स्ट, हर चीज के लिए अलग अलग एरर। और ये तो है ही डाटा, चारों पूरी हो गई है, नहीं कोर्स रह गया, इस पे भी कर दें कोर्स, ये लें ये भी एरर बन गई। अब एरर को थोड़ा सा ना हमें गलती ये की है कि इसको चाहिए था कि हम ही करी ना, इन सब को दे रहे थे कुछ क्लास का आके, इसको जरा थोड़ा सा सेट कर लें, क्लास नेम इज इक्वल टू कस्टम एरर, कंट्रोल एस कॉपी करें, इधर आ जाएं डॉट कस्टम एरर, इसको पहले तो करें ना कलर रेड करके, ओके हम इसको कर रहे हैं फॉर्म में। असल में हमें चाहिए था कि वो प्रॉपर बनाते फॉर्म, तो वो इसलिए वो लाइन के साथ आ रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम बन रहा है। ये देखें ब्रेक दो दो दे रही है, एक एक ही है। चले अब इसको आप लेफ्ट से मार्जिन दे दें, थोड़ा सा धक्का लगा के आगे कर दें, मार्जिन लेफ्ट कर दें थोड़ा सा तो आगे हो जाएगा। मार्जिन अगर मैं लेफ्ट कर दूं, अज्यूम कर ले 20 पिक्सल ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा,
20 काम ही है अभी, 30 कर लें। ऊपर वाले के नहीं थे कई क्लास? अच्छा वो आ गया ना डेटा, ये आगे हो रहा है, एक ही क्यों आगे हो रहा है अभी? क्लासें अलग अलग हैं। कस्टम एरर, या ब्रेक में हमने कोई ऐसा काम किया, इसकी जगह ब्रेक इधर दो लगी हैं, इधर भी दो साफ़ के नीचे दो दो लगी हुई हैं, और पहले वाले के नीचे। अब तो एरर के लिए खुद ही जगह बन गई है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट के अंदर ही रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी वाले की। नहीं वो तो फिर उसकी एरर आती है ना, फिर रिक्वायर्ड, बस आपको ये नहीं बताता कि आप एंटर क्या करना। आप ये अब यूजर को बता भी रहे हैं कि आप ये चीज एंटर करें, अब आप कस्टम एरर बना रहे हैं। वो रिक्वायर्ड तो एक जनरली है कि भाई ये फील्ड पहले इनपुट फील्ड करें। आप इस एरर में ये भी बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट ही एंटर करना है, अगर हो सकता है कि यूजर ये वाली बेवकूफी इस तरह का कोई काम कर रहा हो। इस पे मार्जिन लेफ्ट अप्लाई क्यों नहीं होगा? बोर्ड हो गया अभी, 80 कर दें, 70 कर दें। अच्छा तो चेहरा वो ब्रेक दिया ना इसलिए आ रहा है, मेरा ख्याल ठीक है इतना। इसको आप सेट, अब जब फॉर्म प्रॉपर बनाएंगे ना, अब देखिए मैं इसको अब एंटर करता हूँ, अब वो नीचे एरर है, ये एंटर खत्म हो गया एरर, ये भी खत्म हो गई, अभी एरर है। अच्छा इधर नेम फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी सेट कर लें, एंटर योर कोर्स। अब देखिए ना ये वाली आप एरर अपने हिसाब से बना रहे हैं, रिक्वायर्ड का अगर करना चाहते हैं वो जर्नल देगा। अभी तक देखें वो एरर, अब डाटा आगे नहीं जा रहा, यहां तक आप जो मर्जी करते रहें ये लें। जब तक वो आपका कोर्स नहीं आएगा तब तक वो आगे जाएगा ही नहीं, अब आपका डाटा आएगा, अब वो सारी शर्तें पूरी हो गई। हाँ ये देखिए अब आपका सारा काम ओके हो गया। अब जैसे जैसे वो डाटा एंटर करता जाएगा, अब आपका वो खाली रिकॉर्ड भी नहीं ले रहा, वो डाटा भी आपसे पूछ रहा है, आपको कस्टम एरर भी दे रहा है, और इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं। हाँ ये आप एक काम कर सकते हैं कि कल इसको करें डिलीट पे कहीं करें आप, तो डिलीट हो जाए, ये आप कर सकते हैं काम अगर करना चाहते हैं। नहीं तो आगे आपका, आज मेरा ख्याल है फॉर्म हैंडलिंग की है तो राउटिंग कर लें, या फेच एपीआई करें, या कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट रिडक्स के साथ होगा। उसके लिए मैं कम से कम 3 क्लासें चाहिए, वो एक ही दफा होगी, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, या दो ऑप्शन है, बैकएंड स्टार्ट करके रियल एपीआई के साथ रिडक्स करा दिया। वैसे आपके पास पता नहीं टाइम का मसला है, अदरवाइज मैं जो अपने ग्रुप्स में रिडक्स करवाता हूँ, मैं पहले के जर्नल रिडक्स करवाता हूँ, रिडक्स होता है तो 1-2 घंटे तक उसको डिफाइन करने में लाते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्लो समझ आ गया तो आधा रिडक्स आपका वैसे क्लियर हो जाता है। फिर सिंपल रिडक्स कराते हैं, बिल्कुल कोर ओरिजिनल रिडक्स, यानी ना टूल किट ना कुछ शॉर्टकट, जो एक्चुअल कंपनी ने पूरी लाइब्रेरी बनाई है, एक्चुअल में उसके सारे रिड्यूसर एक्शन जो भी है स्टोर टूल पूरा सीख के, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है किसी एक एग्जांपल के साथ, चाहे आप क्रड कर लें चाहे आप ऐड टू कार्ट कर लें, आपको समझ आ गई, चाहे ऐड टू कार्ट कर लें या क्रड कर लें, क्योंकि इतना काम 3 दिन हो चुके होते हैं उसको, पता दोनों ऑप्शन होती है, अगर टाइम ज़्यादा हो तो हम क्रड भी कर लेते हैं, शॉपिंग कार्ट भी कर, अदरवाइज एक ऑपरेशन हो जाता है, 3 क्लासें होगी। चौथी क्लास में दो ऑप्शन होते हैं, या फेक एपीआई के साथ काम कर लें या रियल एपीआई, तब आपके पास मिडलवेयर ऐड हो जाता है, या थंक कर लें या सागा कर लें या मोबेक्स कर लें या फ्लक्स कर लें, ये सारे मिडलवेयर हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस दो ही जा रहे हैं, थंक और सागा। सागा अभी अभी मार्केट में इन हुआ है, अभी ये 15-20% यूज हो रहा है सागा, तो ये अभी 10 से 15% यूज होता है। इसकी जगह पर जब ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है ना वो थंक है, इस वक्त ये 70-80% चलता है, ये मिडल वेयर है जब आपने एपीआई से डाटा ले गया। इसके अलावा भी काफी है, मोबैक्स है, शायद आपने नाम भी ना सुना हो, मोबैक्स ये भी मिडल वेयर है, ये भी दरमियान में मिडल वेयर का काम करता है, और एक फ्लक्स है, ये भी कुछ कंट्री में चलता है। देखिए इतने मिडल वेयर है, आपका काम तो यही ना एपीआई से डाटा लेके आना,
जिससे मर्जी कर लें काम, अप्रोच वही रहती है। इसके लिए तकरीबन 3-4 क्लास हैं, तो इसको अभी छेड़ना है हमका ना सोच होगी। अभी राउटिंग करवा दूं फिर आज, या आप टाइम है अभी, या फिर HAP करवा दूं? जी उन्होंने जो नए आए हैं सर, जो पुराने हैं ना उनको तो फिलहाल रहने, नए आप में से कौन है इधर जिन्होंने मीन वर्न स्टार्ट किया था? आपने किया था राउटिंग कार करवाई थी उन्होंने? थोड़ी बहुत समझी अच्छा हाँ जी ऑनलाइन। और कोई इसके अलावा आपके पास सर, कोई? राउटिंग आती है, फेच एपीआई वाला करवा दो। ठीक है, आपने बाद में ज्वाइन किया पहले किए हैं आप? लेट ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया था सर, नहीं, बैच 30 से 11 बजे ज्वाइन किया था। कितना का अभी लेगा? अभी अभी ये आज का पूछ रही। सही मर गए। आप मर्न में आए थे? मर्न के पहाड़ में ये स्टार्ट में है, मर्न का है ये? मन में आया था मैं, तकरीबन ये चौथा वीक है सर मेरा, अभी इतना इतना पुराना नहीं हुआ। बस ठीक है, चलें जी फिर JP करा देते हैं, फिर वो भी करवा देंगे राउटिंग। ये प्रोजेक्ट के अंदर ही बनवा दूं एक और कंपोनेंट? नहीं तो फिर प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लग जाएगा। इसी में एक हम बना लेते हैं कंपोनेंट की जगह पे ना, कंपोनेंट के अंदर ही बना लेते हैं, यहाँ पे बना लें। क्या बना रहे हैं इसके लिए? फाइल 1 बना रहे हैं, file1.jar, ताकि पता चलता रहे। RFC लें, इसको कर लें, इधर ही पड़ा रहने दें। ओके लें, जरा ध्यान से सुने। इसको फिलहाल ऐप में जाके इंटीग्रेट ही करवाना है, तो इस फॉर्म को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी डाल देता हूँ। कोशिश किया करें ओरिजिनल चीज़ें सीखें जो लैंग्वेज के अंदर होती हैं, उस लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। आप एक्सटर्नल चीज़ें तब होती हैं जब आप थोड़े से हाथ चलना स्टार्ट हो जाए ना, जब आपकी ग्रिप हो जाए बेसिक चीज़ों पे। और अभी से ही आप जो है ना, अगर एनिमेशन की लाइब्रेरी या एरर्स की लाइब्रेरी के चक्कर में पड़ जाएं, आपको रिएक्ट की कभी समझ नहीं है भाई। रिएक्ट के अपने को 10-15 टॉपिक है, पहले तो उन पर हाथ ग्रिप करें। उसके पीछे बैकबोन है जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। अगर वही भी फिटअप देखे, मैंने को विदाउट लाइब्रेरी भी तो हमने एरर बना ही लिया ना। इसको जितना मर्जी खूबसूरत बना ले, इसके साथ आइकन लगा दें, जब एरर आए तो वो घूमती हुई आए, एनिमेशन लगा दें, और वो भी CSS है। मतलब आपको कोई लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है, CSS पे आप एनिमेशन लगा सकते हैं। कोशिश करें विदाउट लाइब्रेरी चीजें यूज करें। लें जी, यहाँ पे मैं file 1 को कॉल कर लेता हूँ। File 1 लें, कॉल होगी तो यहाँ पे उसका व्यू भी आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया API। ले जी, पहले तो मुझे लग रहा है API को समझाने में क्लास उधर जानी है आज, सिर्फ डेफिनेशन में। डेफिनेशन जब तक समझ नहीं आएगी तो फायदा क्या है API का? अच्छा ये बताएं वैसे API होती क्या है? चलें आप लोगों के भी व्यूज लेते हैं। आप लोगों के थोड़ा सा ना, मेरा अपना ये थोड़ा सा स्टाइल है कि जब तक आपको कहानी समझ नहीं ना आएगी तो फायदा कोई नहीं। आप दाएं बाएं सिर्फ, आप कोई जैसे वो कह रहा था कि सारा रे लगा दें ठीक हो जाएगा, फिर रे क्यों लगाएं? लॉजिक ही नहीं बन रही, मैं ऑब्जेक्ट की क्लोन ले रहा हूँ। देखो खुद लॉजिकल है, मैं अपनी चीज पर स्ट्रांग हूँ, मुझे पता मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ तो मैं क्यों रे लगा दूँ, तो वो काम ही गलत हो जाएगा। लॉजिक समझे, जब तक प्रॉब्लम या मुद्दा समझ नहीं ना आएगा उसका हल तलाश नहीं आप कर सकते। मैं पहले मुद्दा डिफाइन करता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या आपकी रियल लाइफ में, उस टॉपिक में मसला क्या है, API है क्या, व्हाट इज API, तब आपको समझ आएगी। फिर तो आप API, चाहे आपसे कोई REST बनाए, RESTful बनाए, चाहे वेदर की API बनाए, चाहे न्यूज की बनाए, वो टेंशन ही कोई नहीं। API क्या है? हाँ जी हाँ जी, कोई शरीफ बंदा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट इज MVP? हाँ जी, अपने अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं आप, इस पे कोई पाबंदी नहीं। हाँ जी, आपको पढ़ाइए सारा चलान है ना API। वो तो मुझे भी पता है, वो तो सिंपल हो जाएगा। API होती क्या है? कोड भी पढ़ लिया आपने, वो आज भी कर रहा है। हाँ बाद में पता चले जनाब, आपको तो पता ही नहीं क्या मतलब क्या लिंक होता है। चले हाँ जी,
कोई परफेक्ट जो समझता हो कि आप एपीआई को डिफाइन कर सके। और आप देखें वो लगे हुए हैं पीछे और बोल ही ना रहे, वो चैट जीपीटी खुला हुआ और पहले किसी का लॉगिन नहीं हो रहा होगा इसलिए अभी तक जवाब नहीं आया। हाँ जी एपीआई नेट से भी समझ नहीं आ रही, तो नेट पे इतनी डेफिनेशन ही बता देगा। अगर आपको सिर्फ नेट से ही समझ आती ना तो आप इधर कोर्स करने क्यों आए हैं? सर जी जो पुराने हैं वो तो बताए ना आप पुराने क्या है एपीआई। चलेंगे हाँ जी आप इन्वर्टर का काम करती है जो मशीन से डाटा रहा है अगर मैं एपीएल लगाऊं ही ना इसके बगैर भी तो मैं डाटा लेके आ सकता हूँ। अपना डाटा खाली अगर रही ना हो फिर खाली मैंने वैसे ही रख दिया वो डाटा सिंगल सिंगल ही रख पढ़ाई यार यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ जी कोई परफेक्ट डेफिनेशन बता सकता है। देखें पहले तो आप इसको आसान अल्फाज से स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि डेटा होता है ठीक है अब तो सम एक्सटेंट ठीक है। आप कह रहे हैं जी एपीआई पे डेटा होता है एपीआई हैज डेटा। चले आपके अल्फाज को लिखते जाए असल में आप ये कह सकते हैं कंपोनेंट सर जी कंपोनेंट तो चलने ही चलने रिएक्ट है ही पूरा कंपोनेंट बेस्ड उसका इसे कोई लेना देना नहीं एपीआई से। किसी ना किसी दूसरी बात होती है जो एपीआई है ना ये किसी यूआरएल पे पड़ी होती है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो एपीआई है वो खाली आपके कंप्यूटर पे नहीं पड़ी होती किसी ना किसी यूआरएल पे पड़ी होती। अब ये फिलहाल यूआरएल फेक है गल को आपकी रियल भी इसी तरह की होगी रियल भी आपकी कुछ इस तरह हो जाएगी एचटीटीपी। आप लोकल होस्ट पे काम करेंगे आप उसकी अपनी कस्टम पाथ बनाना 7000 बैकएंड का पाथ बना ये हम खुद बनाएंगे इस पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। एक मिनट देंगे पीएनओए ब्रांच मुल्तान कोहली। हेलो जी वो मेरे खाते में है चाहे वो पिंडी में है चाहे लाहौर में है चाहे मुल्तान में। सही मगध मारी दे इससे बेटर बंदा डेवलपर ही रहे। अच्छा जी ये देखें दूसरी बात होगी कि डेटा जो है आपका किसी यूआरएल पे पड़ा है। अच्छा अभी मैं एपीआई की तरफ नहीं आ रहा मतलब सही जो क्रक्स है ना अभी सिर्फ जर्नल जर्नल जो आपने चीजें बताई हैं उन्हें प्रॉपर मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ एक यूआरएल पे पड़ा है। जब यूआरएल की बात आती है ना तो इससे मुराद है एपीआई है डाटा एपीआई डाटा अवेलेबल ऑन सम सॉर्ट ऑफ यूआर ऑन सम यूआरएल्स क्या है। चल हाँ मैं कौन सा इधर आइट्स का एग्जाम देना दो स्टेप क्लियर हो गए। देखिए जब यूआरएल की बात आएगी तो ये डाटा जो है ना ये खाली दीवारों पे नहीं लिखा होगा जो यूआरएल पे आ जाएगा किसी ना किसी डेटाबेस में पड़ा होगा। ये जरूरी है कि आप जितना भी डाटा यूआरएल पे आता है ना ये किसी ना किसी डेटाबेस से आता है तो उसी का पाथ बनता है वो पाथ उड़ा के हम यूज कर लेते हैं। तो थर्ड चीज है ये डेटा जो है ना डेटा अब मस्ट बी अवेलेबल ऑन सम डेटाबेसेस। अब उसमें आपके पास जो है मोंगो डीबी है वैसे आजकल पोस्ट ग्रेड भी चल रही है आजकल इस पर भी काम हो रहा है इसके अलावा माई एसक्यूएल हो सकती है फायरबेस हो सकती है ओरेकल हो सकती है एसक्यूएल हो सकती है एसक्यूलाइट हो सकती है बेताशा एंड मैनी मोर। पहले किसी ना किसी डेटाबेस में पड़ा बल्कि AWS में भी कर सकते हैं वो भी चल रहा है AWS एज्योर भी चल रहा है ये सारी डेटाबेस है कुछ ऑनलाइन है कुछ क्लाउड है कुछ लोकल है। ये तीसरा स्टेप हो गया।
डेटा किसी ना किसी यूआरएल पे पड़ा होगा। चलें, ये वो चीजें जो आपने बताई, मैंने उनको सिस्टमेटिक कर दिया। अब जो मैंने डेफिनेशन बनाई है उसको समझते हैं। एपीआई की जरूरत पड़ती ही क्यों है? वाई एपीआई? क्या अगर आप अपनी जिंदगी में एपीआई ना बनाए तो क्या आप डेवलपर नहीं बन सकते? डेवलपर बगैर एपीआई के भी तो काम कर रहे हैं। देखे ना, कई लैंग्वेज में एपीआई की नहीं जरूरत पड़ती, वो पैटर्न डिजाइन बना के अपने काम चला रहे हैं। तो एपीआई ने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? एपीआई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मशहूर हुई? इसको समझने के लिए हमें एक अदद पीआईए का तैयारा खरीदना पड़ेगा, एरोप्लेन का एरोप्लेन। यहाँ पे जरा सही जहाज बने ना, जरा रियलिस्टिक लुक आए उसमें। ये ले लेते हैं, सस्ता है ये। हाँ, ये या जंगीर ट्रेन से मांग लें हफ्ते के लिए। वो आजकल इमरान तो सफर कर नहीं रहा, अब जहाज सारे खाली पड़े हैं। पहले तो वो सफर सुफर कर लेता था बेचारा, अब वो सारे जहाज खाली पड़े हुए। लेनी एरोप्लेन आपने? ओके, चलो रियल जहाज बनाना मुश्किल है, बंदे को जहाज बनाना आसान है। चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जरा इस प्रॉब्लम को समझिए। ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई ना तो जिंदगी आगे वैसे ही आसान हो जाए। आप एपीआई की आज के बाद, चाहे वो इंटरव्यू में पूछे, चाहे वो आप किसी बाहर कंपनी में चले जाएं, आपको एपीआई की टेंशन नहीं होगी। एपीआई क्या होता है आज आपका डाउट, एटलीस्ट हम डाउट तो क्लियर कर लेना अपने। एपीआई हम बनाते रहेंगे। देखें, ये अज्यूम कर लें पाकिस्तान में आप रहते हैं, ये पीआईए का क्या है, ठीक है? अब रियल लाइफ में देखें, आप कभी ये नहीं करते कि आप पीआईए को डायरेक्ट कॉल कर देंगे जनाब 10 और 11 नंबर जहाज की सीट है ना, बुक कर। पॉसिबल नहीं है, और ना इतना पीआईए के पास टाइम है कि वो आपकी सारा दिन कॉल सुने। क्योंकि अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट सिटी से, इवन कि आप लाहौर के अंदर ही देखे ना, शिवपुरी, इस्लामाबाद, अनारकली, डीएचए, गुलबर्ग, जगह जगह उन्होंने ना बैनर लगाए हैं, जनाब सस्ती टिकट लें, जब हाथ जाता है जनाब 50% ऑफ। वो वेंडर्स बैठे हुए वहां पे, मिडल मैन बैठे हुए, एजेंट कह सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो टिकटें इसी की बुक करते हैं, उनके अपने कुछ हाथ नहीं है। वो ये करते हैं, वो मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं दरमियान। आप उनके पास जाते हैं, हाँ ये ऑब्वियसली वो कुछ 2-4 हज़ार 5 हज़ार एक्स्ट्रा लेते हैं, आपकी झंझट खत्म हो जाती है, आप घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, टिकट आपकी बुक होगी। अब इस प्रोसेस में पीआईए को क्या फायदा है और इस प्रोसेस को बनाने का क्या फायदा है? यहाँ पे हम कुछ वेंडर्स बना लेते हैं, वेंडर्स भी इधर से ले लें, एजेंट, यूजर आइकन कह रहे हैं। ये वेंडर ने हमको शरीफ सा वेंडर लेते हैं, लेकिन इधर ऐसे वेंडर तो है नहीं शरीफ, ज्यादा इसी को पकड़ लेते हैं। ये वेंडर भी आ गए, VEN कर लें, इसको इधर ऐड कर लें। कीबोर्ड सही ना, और काम करने का मजा नहीं आता, लो कीबोर्ड किया। चले, लें जी वेंडर भी आ गया, इसको छोटा कर लें। ओके, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, लो जी ये एक वेंडर बैठा है नारकली में, ये इचरे में बैठा है, ये डीएचए बैठा हुआ है, ये मुस्लिम टाउन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना, एक मिडल लेयर क्रिएट होती है इस जगह पे, इस जगह पे देखें, पीआईए के पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि वो सारा दिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम छोड़ के आपको डायरेक्ट ऑफर कर दे कि जनाब आप हमारे पास आएं और टिकटें बुक करें तो हम आपकी बुक कर देंगे। पॉसिबल नहीं है, उन्होंने अपने रोजमर्रा के काम भी करने हैं, दफ्तर भी चलाना है, और इसके अलावा भी पीआईए के पास कई काम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी जो वेबसाइट बनी हुई थी ना, ऑब्वियसली पीआईए की कोई ना कोई वेबसाइट भी होगी, अज्यूम कर लें PIA.com.pk है, एक वेबसाइट बनी, उस पे उन्होंने एक अलग लिंक बना दिया। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा, ये यूआरएल पे कोई ना डाटा है,
ये उन्होंने एक यूआरएल बना दी, pia.com.pk, और यहाँ पे स्लैश कर दें बुकिंग्स, टिकट्स डैश बुकिंग्स .php, क्योंकि पुराना है तो शायद PHP भी बना हो। लेकिन उन्होंने एक अलग इंटरफेस डिजाइन कर दिया, अलग इंटरफेस, मैं ये कह रहा हूँ, अलग वेबसाइट नहीं, वेबसाइट के अंदर उन्होंने एक अलग, समझ लें, लिंक लगा दिया, एक अलग बटन लगा दिया। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपके LMS सिस्टम बने होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे आपको लॉग इन लॉग आउट की पोर्टल्स मिलते हैं, उन्होंने भी ऐसा काम किया, उन्होंने अपनी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे इस पाथ पे एक अलग इंटरफेस डिजाइन कर दिया इस पाथ पे, और इन वेंडर्स को अलाउ किया कि भाईजान आपने जब टिकट बुक करनी है ना, आप ये वाला पाथ हमारा पकड़े, इस पाथ को यूज करें और अपनी जितनी मर्जी टिकटें बुक करें, आप और मैं ये वाला काम नहीं कर सकते फ्री में। जनाब आप जाएं, आप कहें जनाब मैं भी पीए की टिकटें बुक कर लूं, ये ऐसे नहीं होता। वो पता क्या करते हैं, वो आपको ना, ये आपको परचेज करना पड़ता है इसके अगेंस्ट। इस पे जब इस पाथ पे आते हैं ना, तो उससे कोई ना कोई यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है, और इसके अगेंस्ट इनकी कोई ना कोई सीक्रेट की होती है। आप ये कह सकते हैं यूजर नेम, पासवर्ड और सीक्रेट की उनको मिलती है, जिससे उनकी शिनाख्त होती है कि ये एजेंट को हमने वैलिडेट किया टिकटें बुक करने के लिए। देखिए मैं अगर चाहूँ भी, मैं कहूँ यार मेरा दिल किया है तो मैं ना 50 टिकटें बुक कर, मैं नहीं कर सकता। बुकिंग करने के लिए मुझे इस यूआरएल पे इनके सिस्टम में एंटर होना पड़ेगा। अब उस सिस्टम एंटर होने के लिए बकायदा ये पैसे पे करते हैं, हो सकता है पीआईए को मंथली हो, या ये भी हो सकता है कि पर टिकट इनको कमीशन मिलता हो, या उनकी कोई ना कोई आपस में डील हुई होती है, या वो कहते हैं यार आपकी कोई टिकटें बुक होना हो, आपने आ रहे महीने में 50,000 देने ही देने, हमें कोई टेंशन नहीं, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने कमीशन बेस रखा हो। बहरहाल एक्सचेंज ऑफ मनी, ऑब्वियसली इन एजेंट को क्या फायदा और पीआईए को क्या फायदा, इतनी महंगी महंगी दुकानें बना के कैसे बैठे, इनको कुछ ना कुछ पैसे बचते हैं, और दूसरा ये क्लाइंट से भी पैसे लेते हैं। एक्चुअल हो सकता है टिकट हो 1 लाख और ये 1,10,000 में बेच रहे हैं, 5,000 वो खुद रख लेंगे, हो सकता है 5,000 पीए होते हैं यार आपको दे दिए जो आपने हमें सर्विस दी, इस क्लाइंट को भी पासवर्ड मिला है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, ये इस इंटरफेस पे लॉगिन होते हैं। फायदा क्या हो इंटरफेस बनाने का, ये डायरेक्ट इस पीआईए को क्यों नहीं कॉल कर लेते कि यार ये ना, ये पहला जो वेंडर आया उसने कहा जनाब जो मेरा क्लाइंट है ना वो बचपन से ही शौकीन है खिड़की पे बैठने का, उसके लिए जो आप है ना जहाज की साइड वाली 2 सीटें बुक कर दें, लो जी वो बनी जी 7 और 8। हो सकता है कोई क्लाइंट हो कहते मैंने पूरा सफर बाहर का व्यू ही देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो पैसे दे रहे हैं, उसने कहा जी 10, 7 और 8 सीट बुक कर दो, चलो। ये पहले वेंडर ने ये वाली क्यूरी की, इधर आ जाओ। टिकटें छोटी करती हैं, दो क्लाइंट कैसे बैठेंगे, बड़े देखें। इस बंदे ने, ये वेंडर आया, ये हो सकता है अनारकली में बैठा हो, इसके पास एक आम बंदा आया, उसने कहा यार मुझे ना 7 और 8 सीट चाहिए, ठीक है इसने 7 और 8 बुक कर ली, सिस्टम में अपडेट हो चुकी है यहाँ पे 7 और 8। सिनेमा हॉल में देखा क्या होता है, इसको शबीर नहीं, देखें सिनेमा हॉल में भी यही होता है, आप जो है ना वहां पे वो बैठे होते हैं कंप्यूटर पे, वो आपको पूरा सीटें बनी होती हैं, वो कहते हैं यार आपको कौन सी सीट चाहिए, पहली 2 रो तो बुक होता है, सेंटर में वो के एंड पे ये बचती हैं, आप देख लें इसमें से आप साइड पे बैठना चाहते हैं या इधर, वो पूरा व्यू होता है, आप बुक करते हैं, वो चाहे 3 लोग भी बैठे हो ना, अगर एक बंदा 15 या 16 सीट बुक करता है तो वो दूसरे कंप्यूटर वाले के पास भी अपडेट हो जाती है। यही वाला काम एपीआई ने किया। अब इसने 7 और 8 ले ली, अब इसके पास आया मुस्लिम टाउन वाले के पास, वो भी बजीद था, उसने कहा जनाब
मुझे भी 7 और 8 सीट चाहिए, वरना हो सकता है मेरी बीवी से लड़ाई हो। वो कहती मैंने बैठना ही शीशे के पास। अब जब ये बेचारा बुक करने गया, ये सिस्टम बनाने का क्या फायदा हुआ? सारा डाटा अपडेट हो रहा है और पीएयू को कोई टेंशन नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपना खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, होता था मरी गए हो। टिकट सिस्टम चल रहा है, बुकिंग हो रही है अलग इंटरफेस पे। जब ये 7 और 8 बुक करने गया तो इसने सिस्टम में देखा, उधर वो कह देगा सॉरी दी सीट सारा ऑलरेडी रिजर्व, आप इनको बुक नहीं कर सकते, आपके पास चॉइस है कि जनाब आप 14 या 15 ले लें, 14 15 ले लें। उसने कहा चले यार, उसने क्लाइंट को कहा, उसने कहा भाई ये बचती हैं ले लेने तो हो सकता है बाद में बाइक पे जाना पड़े नहीं तो भाई बाइक पे जाएंगे 1 to 5। उसने कहा चले ठीक है यार, आखिरी आखिरी बात है, चार देने तो हो सकता है, पीछे से कोरोना पे और पाबंदी आ रही। अब यहाँ पे और बंदा आया, इसने 7 और 8 कर ली, इस बंदे की नई फरमाइश थी। इसने कहा जनाब दो दोस्त जाने हैं लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं, एक कहता मुझे सीट 8 चाहिए, एक कहता मुझे 14 चाहिए, जाना एक आदमी लेकिन सीट पे इकट्ठे नहीं बैठना। अब ये बेचारा भी आया, लॉगिन हुआ, उसने देखा सिस्टम, उसने कहा भाईजान 8 भी बुक है, 14 भी बुक है, आपको ये सीटें नहीं। फायदा क्या हुआ? ये जो सीटें बुक कर रहे हैं ना, सिस्टम में अपडेट हो रहे, एक अलग इंटरफेस बनाने का ये फायदा हुआ, और इससे पीआईए का जो इंटरनल वेबसाइट है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अलग सर्विस बना दिया, अलग सर्विस की कनेक्टिविटी आपको करवा के दे रही है। और आप आए, आप ये मान के चले कि हो सकता है जहाज में 500 बंदे बैठ सकते हैं, जब 500 फिल हो जाएगी, अब पीआईए को वहां पे ब्लॉग लिखना नहीं पड़ेगा, सिस्टम बना है, उधर कह देगा जनाब जहाज फुल हो गया, आप छत भी बैठ के जाए। देखे ना वो क्रिश मूवी की तरह, फिर आप इस तरह जहाज के ऊपर ही बैठे या टायरों के साथ लटके जाए। अब इतना रिस्क को कोई नहीं लेगा, साथ 2 लाख भी दे, या वो रस्ते में कहीं नहर में गिर जाए ना आर ना पा। अच्छा ये देखें, ये एपीआई का कमाल है, ये जितना भी आपका काम है ना, देखें उसके अगेंस्ट आपका जो एक्चुअल डाटा है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, एक अलग इंटरफेस पे आपका डाटा अपडेट हो रहा है। ये मैंने सिर्फ अभी 4 वेंडर या 4 एजेंट बनाए लाहौर के अंदर, मोर देन 200 एजेंट है सिर्फ लाहौर के अंदर। आप कभी इसकी लिस्ट देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, चिपुर्जी पे 15 20 मिल जाएंगे आपको। आप शमा पे जाएं, किचड़े पे जाएं, मुस्लिम टाउन पे जाएं, आप इधर कलमा चौक पे जाएं, लिबर्टी जाएं, जगह जगह बैठे हुए हैं। ये मैं सिर्फ लाहौर की बात कर, और पी आई ये मखसूस नहीं कि सिर्फ लाहौर वाले बंदे ही बुक कर सकते, पाकपतन से भी लोग बुक कर रहे हैं, कसूर से भी कर रहे हैं, गुजरावाला से भी कर रहे हैं, भावलपुर से कर रहे हैं, बखर से कर रहे हैं। भाई जहाज तो एक ही है ना, इसी पे सब लोगों ने जाना है, वो सारे लोगों को इसी तरह पासवर्ड और क्रेडेंशियल मिले हुए हैं इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए, इस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए। इसका फायदा होता है आपका काम भी चलता रहता है, आपका मेन डाटा भी डिस्टर्ब नहीं होता, आप इसको शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं अ सेपरेट सर्विस कनेक्टिविटी। एक आपने सर्विस अलग बना ली, उसकी कनेक्टिविटी करवा दें जिससे आपकी मेन डेटाबेस नहीं चेंज होती, आपकी मेन डेटाबेस पड़ी है, आपका सिर्फ इस एपीआई की हद तक जितना डाटा आएगा वो ये शाम को आके देख लेंगे कि यार आज कितने लोग हो चुके हैं, वो रात को डाटा एंट्री बैठा होगा, वो सबमिट पे क्लिक करेगा, कहेगा यार अभी 490 हुए हैं, 10 सीटें भी खाली हैं, बजाय इसके कि वो इनको कॉल करता रहे कि आपने यार कितनी आज सीटें बुक की, वो तो सारा दिन लग जाएगा। और फिर उसमें क्लैश आ सकता है, क्लैश क्या आएगा, हो सकता है 7 और 8 इसने बुक कर ली हो, और अगर ये सिस्टम ही ना बनाओ, अगर वो अपने ही एक्सेल में एंट्रियां कर रहा हो तो फिर प्रॉब्लम आएगा, वो फिर 7 और 8 कर देगा, वो जहाज में लड़ाई हो जाएगी, हो जाएगी भाई, कोई ना कोई तो चैन चढ़ेगा ना वहां पे, या तो वो एक को नीचे फेंक देंगे सरदार की तरह, या फिर वो दोनों को ही ये कहेगा जनाब आप लड़ते रहे हम सीटें किसी और को दे। ऐसा भी होता है जब लड़ाई हो जाए ना वो दोनों को निकाल देते हैं, कहते हैं नहीं किसी पर्सन को दे क्योंकि इन्होंने अभी घंटा लड़ना है, जहाज में लेट हो जाए। ये आपको एपीआई सुविधा देती है कि आप एक सर्विस बनाए, उसका अलग इंटरफेस डिजाइन करें विदाउट चेंजिंग और मॉडिफाइंग योर ओरिजिनल डेटाबेस। आपका ओरिजिनल डेटाबेस पड़ी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, महकमे को भी कोई टेंशन नहीं है, और आपका काम भी चल रहा है, ये एपीआई का फायदा होता है। अब इसकी दूसरी मिसाल ले, कोविड कोरोना आया था, अब देखें उनको कैसे पता जा रहा था जनाब चाइना में इतने लोग कोविड से इफेक्ट हो गए हैं,
इतने लोग की जनाब अमवात हो चुकी हैं, इतने लोग जनाब अंडर ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने एक वेबसाइट बना के एक यूआरएल बना दी थी और उन्होंने कंट्रीज को अलाउ कर दिया था कि अगर आपके कंट्री में जितने भी पेशेंट इफेक्ट होते हैं या जितनी भी डेली अमवात होती है उनको आप यहाँ पे अपडेट कर सिंपल। और वो बैठे बैठे उन्होंने वहां पे पाइथन के या किसी प्रोग्रामिंग से अल्गोरिदम लिख के चार्ट बना दिया था, वो ओवरऑल आपको पूरी दुनिया का दे देता था। पीछे उन्होंने इंटरफेस बनाया था, डिजाइनिंग करके बता दी जनाब आज दुनिया में इतने पेशेंट हो, अलग अलग बंदे बैठे डिफरेंट कंट्री से उस एपीआई को अपडेट कर, और उस एपीआई को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई एक स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट होगा, या हो सकता है किसी मुल्क ने जुम्मेदारी दी। दो एग्जाम्पल, थर्ड उबर के हिसाब से बेस्ट एग्जाम्पल। देखें उबर ने गूगल से जो मैप खरीदा ना, उबर ने एक यूआरएल ले लिया, आप ओरिजिनल अगर गूगल का मैप देखे ना ऐसा मैप नहीं कि बंदे चलते नजर है, या रक्षा जनाब यहाँ पे पहुंच चुका, गाड़ी इधर पहुंच चुकी है, ओरिजिनल गूगल का मैप ऐसा नहीं है, वो तो सीधी सीधी लाइनें बनी हुई हैं। उन्होंने क्या किया, उनसे एपीआई परचेज कर दिया, उस एपीआई के अंदर कस्टमाइजेशन की है, और ये कस्टमाइजेशन सिर्फ लाहौर के अंदर एप्लीकेबल है। अब एपीआई पकड़ी, उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर ली, ये कस्टमाइजेशन सिर्फ उबर के पास है। अब आप गूगल का मैप खोलेंगे तो उसको गूगल के मैप को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो देखें वो आप अब जर्नल खोलेंगे तो वो मैप ऐसे ही चल रहा है। अगर जब वही मैप आप उबर के थ्रू खोलेंगे तो आपको बकायदा चलेगा कि जनाब इधर पहुंच चुका है, ये हो गया, इतना डिस्टेंस रह गया, बंदा यहाँ से घूम के आ रहा है, वो बकायदा पूरी लाइन बताता है। वो आगे एपीआई भी बनी हुई है उसकी, जियो लोकेशन एपीआई, वो आप अपनी वेबसाइट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ फ्री एपीआई भी मिलती हैं आपको, जियो एपीआई लोकेशन, आपको अगर मैथ अच्छी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेजर करके, और डिस्टेंस वाइज इन्होंने ना आपका किराया बनाया होता है। मतलब मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है स्विट्जरलैंड तो के लिए, उनका भी यही सिस्टम था, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे ऊपर से काफ़ी एडवांस था। वो जब यूज़ किया तो समझ आई अच्छा ये बंदे ऐसे चला रहे। एपीआई परचेज करके हमने गूगल मैप को मॉडिफाई कर, अब ये भी मॉडिफाई कर सकते हैं क्यों, अभी जहाज उड़ा ही नहीं ना, वही जहाज अभी तो इधर बैठा हुआ है, ये बंदे आए उन्होंने कहा यार मोहल्ले में लड़ाई हो गया, या जनाब पता चला कि किसी बंदे की फौतगी हो गई, देखे ना बंदा एयरपोर्ट पे पहुंचे कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो इस बंदे ने तो सीटें कैंसिल कर दी ना, इसने कहा यार, वो कहेगा जनाब कैंसिलेशन करने के मैं 20,000 लूँगा, कहता यार रख लो कोई टेंशन, लेकिन सीटें कैंसिल कर, उसने सीटें कैंसिल कर दी और एपीआई में अपडेट हो, ये दो सीटें खाली होगी। अब नया बंदा आएगा, ये वाली दो सीटें नया आने वाला बंदा परचेज कर सकता है, ये इस एपीआई का फायदा है। तो एपीआई मॉरल ऑफ द एंटायर डिस्कशन आप ये कह सकते हैं, एपीआई आपके पास एक अलग सर्विस है जो आपके ओरिजिनल डाटा को चेंज किए बगैर आप उसका उस डेटा को लेके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आपका ओरिजिनल सिस्टम तो मुतासर नहीं होता, लेकिन ओरिजिनल सिस्टम को छेड़े बगैर आप डेटा के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, आपका काम स्मूथ होता रहता है। अब कई महकमों ने, स्टॉक एक्सचेंज वालों ने एपीआई बना के रख दिया, वो थोड़ा है, अब देखें 1 सेकंड में अगर आप देखें ना स्टॉक एक्सचेंज 200 मुल्कों का, कितनी सेकंड में वैल्यूज अपडेट हो रही है, वो इतने थोड़े वेले हैं जनाब 200 बंदे बैठाए हों हर सेकंड एंट्रियां करें, उन्होंने एक एपीआई रख दिया, सारे मुल्कों में बंदे बैठे हैं, अगर पाकिस्तान की करेंसी है तो हमारा भी कराची स्टॉक एक्सचेंज होगा, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज होगा, वो जैसे ही वैल्यू डी वैल्यू चीज़ें होती हैं वो अपडेट करते हैं, एक एपीआई बनी हुई है सारी दुनिया को डाटा मिलता है। इसी तरह न्यूज़ की एपीआई है, वेदर की एपीआई है, अब तो मूवीज़ की भी बन गई है, और हम अपनी एपीआई खुद बनाते हैं। ये कॉस्टली फील्ड होती है, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनने जा रहे हैं या बेशक आप फ्रंट एंड में ही आए, आपको एपीआई इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, अगर आप एपीआई इंटीग्रेट ना कर सकते तो वो कहते हैं आप डेवलपर नहीं है, बल्कि अब कंपनीज लेती ही नहीं है। अब वो जाते ही सवाल दो चार इंपॉर्टेंट लाजमी पूछे, अगर रिएक्ट में जाएं क्या आपको एपीआई का पता है, फेच एपीआई क्या होती है, एसिंक अवेट फंक्शन क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, रीडक्स क्या होता है, यूज पीरियड क्या होती है, प्रॉप्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, ये तो समझ लें लाजम मलजूम चीजें, अगर ये आपको नहीं आते तो आप रिएक्ट के फ्रंट एंड डेवलपर नहीं। और अगर आप मर्न में जा रहे हैं
इन एपीआई को बनाना कैसे? वो सारी ये खुद थोड़ी बन गई है, ये जो सिस्टम इंटरफेस बना है, जो डाटा अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, बुकिंग हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई तो एल्गोरिदम लिखा होगा ना, कोई ना कोई कोडिंग की होगी, वो कोडिंग बैकएंड डेवलपर करते हैं, और ये हम नोड और एक्सप्रेस और मोंगोडीबी में जाके करेंगे। फिलहाल कल हम फेक एपीआई पढ़ेंगे, सर ने इतना आप आगे आपको सर ने पढ़ाया ही होना है कि वो फेक एपीआई को लेके उसको यूज कैसे करना है, मैथ लैब लगाएं, उसको रेंडर करने के भी 3 4 तरीके होते हैं, एक डॉट देन वाला तरीका होता है, एक एसिंक का वेट का होता है, और एक एक्सेस का होता है, ये 3 तरीके, मतलब मैं तीनों ही करवाता हूँ क्योंकि आपको लाइफ में तीनों तरीकों से वास्ता पड़ता है, मैं तीनों ही करवा देता हूँ, जिसको जो तरीका आसान लगे वो कर सकता है। तीनों तरीकों से ही आप डाटा एपीआई में गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, 4 ऑपरेशन आपको एपीआई को परफेक्ट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। आप क्रिएट कर सकते हैं डाटा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और अगर आप इसको हमारी लैंग्वेज में देखें, मर्न में, क्रिएट को वो कह देते हैं पोस्ट करना डेटा, रीड को कह देते हैं गेट करना, अपडेट को कह देते हैं पुट करना, और डिलीट को वो डिलीट ही कहते हैं। ये 4 ऑपरेशन आपको आने चाहिए, हम रियल बैकएंड के साथ चारों काम करें। हाँ, इसके अंदर चेंजेस होती हैं, देखें जब आप डाटा पोस्ट कर रहे हैं, मिसाल है, आप यही मिसाल ले लें, मैं पेशेंट का एक डाटा ऐड कर रहा भाई, डाटा कौन सा लेना है? देखें मैंने किया जी, पेशेंट का नाम मैंने लेना है, ABC, उसकी एज भी होगी, ये हो सकता है मैंने उसकी पूरी डिटेल अपने लिए रखनी होगी, उसकी मैं हाइट भी ले लेता हूँ 5.10, चलो ये रख लेंगे, इंच कर रहे हैं, ठीक है। उसका जनाब पेशेंट की डिटेल ले रहा हूँ जी, उसका कलर क्या है जी, मीडियम ब्राउन, उसके जनाब हेयर है जी लॉन्ग हेयर, ठीक है, ये डाटा पेशेंट का कंप्लीट है, ये मुझे चाहिए हॉस्पिटल के लिए। और भाई ये तो हॉस्पिटल के लिए, अगर आपने एक्चुअल रिकॉर्ड मेंटेन करना है किसी बीमारी का, आपने हेपेटाइटिस का करना है, कैंसर का करना है, या कोविड का करना है, तो आपको क्या कर दिया, बंदे का नाम हो रहा है, और पॉसिबल है अगर उसका एड्रेस भी चाहिए तो एड्रेस भी लिख लेंगे, एड्रेस कर देंगे लाहौर, चलें। आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये 3 प्रॉपर्टी, जब आप डाटा पोस्ट कर रहे हैं ना, आपके पास डाटा सारा ही पड़ा हुआ है, लेकिन आपने इसमें से पोस्टिंग कुछ प्रॉपर्टी करनी है, ये होता है कि एपीआई बनाते हुए आप उसके अंदर रन टाइम पे कई चेंजेस करनी पड़ती है, सीधा सीधा भेजना तो कोई मसला नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आपने ये रखा, आपके डेटाबेस की लेंथ है कि यार आपने डेटाबेस में रखा है कि आप 15 वर्ड से करेक्टर से बड़ा नाम स्टोर नहीं करेंगे, और एक बंदे का नाम ही इतना बड़ा आ गया है, आप उसको जब डेटाबेस में पोस्ट कर रहे हैं, अगर वो 15 लेटर से ज्यादा चला जाएगा तो ज्यादा स्पेस ले, ये पोस्ट करते हुए आपने ये चीजें चेक करनी होती, हो सकता है मैंने एज ली डिजिट में हो, या मैंने इसकी प्रॉपर्टी बनाई स्ट्रिंग हो, अब स्ट्रिंग के अंदर आप ऐसे भी ऐड कर लें तो हो जाएगा, ये भी कर लें तो, ये तो दोनों स्ट्रिंग है उसके लिए, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, जब टाइप ही आपने स्ट्रिंग रख दिया उसकी, इनपुट में बाय डिफॉल्ट जो डाटा जाएगा वो स्ट्रिंग ही जाएगा, क्या आप इसको एज ए स्ट्रिंग बैकएंड पे भेजना चाह रहे हैं, नंबर करके भेजना चाह रहे हैं, कल को इसके साथ उसको मैनिपुलेशन करनी है, ये एक अलग दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसके साथ कोई ऑपरेशन करना है तो फिर तो आपको नंबर भी चाहिए, हो सकता है आपने इसमें तो उसकी एज कैलकुलेट करनी है, मतलब ये मैं देखना चाहता हूँ आज इस बंदे की एज कितनी है, हो सकता है इधर मैंने डेट ऑफ बर्थ मांगी हो खाली, उसने कहा हो जनाब यहाँ पे तो आज के दिन डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब अगर डेट का फॉर्मेट मैंने सही लिया होगा, मैं आज की डेट में से मौजूदा डेट को माइनस कर दूंगा तो मुझे उसके ईयर मंथ और डेज पता चले, उसकी एज पता चले, ये आप एपीआई बनाते हुए, एपीआई बनाना आसान है, रन टाइम पे जो प्रोसेस करने होते हैं ना एपीआई के अंदर, आपने जो चेंजेस करने हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते, वो अलग अलग चीजें होती, उनके अंदर कस्टमाइजेशन करना एक पूरी साइंस है, और ये बंदे जिसको एपीआई बनाने आती हूँ कस्टम एपीआई, वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं।
और अच्छे उसको सही में जो डेवलपर कंसिडर किया जाता है, जिसको सिर्फ एपीआई बनानी आती है, वो एपीआई हो बैकएंड पे एपीआई बना ले और फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करा, उसकी मौजें लागे। आप बजाय 2-3 साल एक्सपीरियंस के साथ फ्रंट एंड के डेवलपर और वो 6 महीने का एक बराबर सैलरी हो। तो इसको हम करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में कल, फिलहाल एपीआई के मेथड करेंगे तीनों के तीनों, और उस पर अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और एपीआई से रेलेवेंट मैं कुछ आपको फिर टास्क भी दूंगा, उस पे कोई फिल्टर वगैरह के ऑपरेशन करवा लेंगे या कुछ उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करवा लेंगे। फिलहाल के लिए आपने जो कल वाला टास्क है उस पे सिर्फ गेट की ऑप्शन डिलीवरी की ऑप्शन लिख के लेके आए बस। एपीआई में मैंने वैसे पढ़ाया था कुछ नहीं, अभी तो जस्ट डेफिनेशन पढ़ाई है, लिहाजा इसमें कुछ तो जनरल सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, कोडिंग इसकी कल स्टार्ट हो जाएगी। एपीआई पढ़ने का फायदा क्या जी, सारे सबको एपीआई आती है, अगर एपीआई की डेफिनेशन से नहीं पता एपीआई है क्या, तो बात हम कह रहे हैं बना लेंगे जना, मुद्दा क्या बनाना क्यों, जरूरत क्या है अपना। ये ऑनलाइन या फिजिकल कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एपीआई को कल हम प्रैक्टिकल देखेंगे, डेफिनेशन 2-3-4 एग्जांपल से मैंने आपको करवा दिया है, होपफुली आपका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। एपीआई बनाने का मकसद होता है एक मौजूदा सिस्टम के अंदर एक नई सर्विस दे रहे हैं विदाउट चेंजिंग योर ओरिजिनल स्ट्रक्चर। कस्टम एरर और एपीआई डेफिनेशन अपलोड नहीं हो रहा, मुझे कुछ आप याद कराना, मैं सबको गेटअप करा दूँ, टेंशन को ले गिटहब पे नहीं अपलोड हो रहा। अरे भाई अच्छा तो मेरी क्लास फिर शुरू हो जाती है ना इतने बड़े, तू एंड करना मैंने कल क्लास से याद करा, आते ही करवा दो सबको गिटहब करवा दूंगा, वो आपको कराऊंगा कल, कोई नहीं फिर हो रहा डालना, सबको 10 मिनट लगने हैं, वो 8 कमांड है 7-8, वो टक टक चलानी है, वो सबको ये हो जाएगा, वो लाइव ही करवा दो। आपने आते ही मुझे याद करा, एपीआई के लिए सिर्फ मैक्सिमम 1.5 घंटा है, अगर आपको एक मेथड समझ आ गया बाकी हमने उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया, वही एपीआई रहेगी फिर हम मेथड बदलते जाएंगे, तो उसका ये वाला टाइम यूटिलाइज कर लेंगे। अगर गिटअप के साथ वो वर्सल कम भी रहता सर वर्सल खुद ही बन जाता है जब आप गिटअप पे कुछ करेंगे ना, है वर्सल खुद ही इसका लिंक जनरेट कर, ज्यादा। हाँ इसका यही तो फायदा है वर्सल का। अच्छा नेक्स्ट वीक जो है ना आपका एक दिन क्यूरी का दिन होगा, चाहे आप पहला दिन रख लें चाहे आखिर वाला दिन रख लें, लेकिन 1 घंटे के लिए, अरे वो आपने डिसाइड करना है, 1 आवर के लिए आपने जितना मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें से कोई मसला आए तो डे फर्स्ट से लेके अब तक या जितनी कोडिंग तक तक हो चुकी होगी वो आप प्रॉब्लम बताएं, हम लाइव सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका भी फायदा हो जाएगा और बाकी को भी सीखने को मिल जाएगा। लेकिन वो आप प्लान करके हैं, ये ना कहें कि सर पहले दिन से ही शुरू करा दें, ऑब्वियसली कोई एक आध एरर हो जो आपको टेक्निकल लग रही हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे देखे ना फॉर्म हैंडलिंग में आप खाली प्रॉपर्टी इनपुट ही देते जा रहे, उसको चले हमने सॉल्व कर लिया, आपको भी फायदा होगा सबका हो गया। इस तरह की कोई एग्जाम्पल या कोई प्रॉब्लम हो इधर मैं लाइव करवा दूंगा, लेकिन वो 1 आवर रखेंगे तो हमारा टॉपिक डिस्टर्ब ना हो, 1 आवर अपना टॉपिक पढ़ लें। तो आपने देखना है कि वो मंडे का दिन आप रखें
या इवेंट पे करा सकते, लेकिन नेक्स्ट मैं तकरीबन 7-8 क्लासेस के बाद ये क्यूरी डे खुद ही रखता ताकि वो मसला आपके एंड तक पहुंचे ही ना, आपके जितने मसले हैं वो साथ साथ सॉल्व होते हैं, एंड पे फिर जाके करेंगे तो प्रॉब्लम। और आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम सबमिट करा दिया सामने, यार क्यों नहीं अभी तक सोच रहे आप? तो सिक्स मंथ वाले कराने सालों के किस नहीं, 6 मंथ वाले तो कराए ना, मैं अभी 3 लोगों का सिर्फ डाटा आया। और नेक्स्ट वीक से मैं प्रोजेक्ट चेक करूंगा, जितना पढ़ा लिया आपके प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट हुई, कल मैं जरा इस पे आपको आउटलाइन दूंगा कि कैसे आप प्रोजेक्ट पे काम करना है। एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर फोल्डर्स का बनवा दूंगा, मुझे याद करवा दीजिएगा कि एक आम भी आप काम करें तो हो जाएगा, लेकिन बेस्ट जो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल तरीके से बनाएं स्टार्ट में, तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। जितना मर्जी कल को वो ग्रो हो जाए, आपको दरमियान में मसला नहीं बनता। अगर आपने बगैर प्लानिंग के शुरू किया है तो हो सकता है वो 50-60% तो ठीक बन जाए, और जब कोई नई चीज़ ऐड करें तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही आपको हिलाना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग के साथ उसको करना है। लेकिन जी अपना ख्याल रखें, और कल आप एपी पढ़ के हैं, देख के हैं मेथड को, डाउट हो तो वो भी अपने क्वेश्चन तैयार करके। फॉर्म बना के जैसा बैठा जैसे शो कराया था वो रिफ्रेश करने पे बैठा चला गया। तो मैंने इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाया, बहुत लगा पेज को रिफ्रेश कर।